नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। अब धीमे धीमे ठंडी भी पड़ रही है, केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही तीसरी लहर की चिंता बढ़ गई है। और उसमें भी जो सबसे भयानक और डराने वाली बात है, जिसमें कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर कहर बरपाएगी। बच्चों पर किस तरीके से तीसरी लहर अपना असर दिखाएगी, इससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चों को बड़े किस तरह से बचा सकते हैं, इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं गुड़गांव मेदांता के बाल रोग विभाग की प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहन जी से। डॉक्टर नीलम मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी। डॉक्टर नीलम जी, जिस तरीके से हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों पर कहर बरपाएगी, क्या कुछ है इसको, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे साफ कीजिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि यूजुअली यूरोप कंट्रीज में तीसरी लहर आई है और ये मानना है तीसरी लहर मतलब जैसे आपने खुद बताया अभी, जैसे पीक डिप होएगी, उसके बाद थोड़ा सा केयरलेसनेस आ गई थी पहले भी बार और अभी भी चांसेस है कि यू नो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग बाहर जाएंगे और नवरात्रे दिवाली ये सब आएंगी, तो इस टाइम थोड़ी केयरलेसनेस होएगी और फिर से छोटी सी एक वेव ऊपर आएगी, तो ये मानना है कि तीसरी है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये चाहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक के पिए, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी तीसरी वेव इतनी बड़ी हो। पहली वेव में मैक्सिमम लाख है, दूसरी वेव में हमारे नियरली 4.25 लाख के करीब पहुंचे और अब हम नहीं चाहते हैं कि हम वहां पे कुछ करीब भी पहुंचे। बच्चे को भी उतने ही इन्फेक्शन होते हैं जितने बड़े को हुए। दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा सिम्टम्स हुए, हो सकता है जो ये म्यूटेंट्स आई थी 1.67 इससे वो म्यूटेंट से ज्यादा हुए, तो ICMR डेटा के हिसाब से 12% इफेक्टिव हुए कंपेयर टू 2% पहले। तो अभी अगर ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे सीवियर होंगे। हम ये बोल रहे हैं कि क्योंकि वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन दोनों से इम्यूनिटी बड़ों की बेटर हो गई। पहले में हमने बुजुर्ग को देखा, सेकंड में हमने यंग देखा और अब यंग जो लोग इफेक्टेड हो गए उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, पैसे काफी स्पेंड हुए लोगों के, अब उनके पास अगर बच्चों में आए तो इतने स्पेंड करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मेंटल हेल्थ से थक चुके हैं वो अब ये सोच के कि बच्चों में हो। तो पहला मैं चीज ये कहूंगी कि बिल्कुल आप ना डरे, बच्चों में ज्यादा होगा हाँ ये मानते हैं, लेकिन बच्चों में बहुत सीवियर होगा इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी लड़ने की शक्ति है और ये हम आपको जस्ट कह रहे हैं कि मोर होएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि निश्चित रूप से चूंकि बड़े लोगों में वैक्सीनेशन भी हो चुका होगा और कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज से भी लैस हो चुके होंगे, तो निश्चित रूप से उनके बीच में संख्या कम होगी और बच्चों का इन्फेक्शन ज्यादा होगा थर्ड वेव में। मैडम, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब थर्ड वेव आएगी और बच्चों को टारगेट करेगी, भले वो सीवियर नहीं होंगे लेकिन इन्फेक्टेड होंगे, तो उसको लेकर क्या किस तरीके की तैयारी चल रही है, उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, तो आपने बिल्कुल सही कहा, तो ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि बच्चों में ज्यादा होगा और थोड़ा सा डर है कि अगर वायरस की आदत होती है कि जो ससेप्टिबल पॉपुलेशन है उसमें अटैक करे, तो वो ससेप्टिबल पॉपुलेशन अब बच्चे बच जाएंगे तो ये सबको चिंता है कि उनको अटैक करेगी कहीं कोई म्यूटेंट या कुछ करके, ये वाला नंबर वन स्टेप। तो इसकी तैयारी को तीन तरीके से हमें डिवाइड करना चाहिए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट लेवल, नेशनल और स्टेट लेवल, दूसरा डॉक्टर्स की लेवल, तीसरा पेरेंट्स की लेवल। हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी गवर्नमेंट से भी चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्मॉल कमिटीज बिठा रही हैं, टास्क फोर्स क्रिएट कर रही हैं, इस टास्क फोर्स में पीडियाट्रिशियंस इन्वॉल्व किए जा रहे हैं ताकि वो उसको समझे, क्योंकि एक चीज क्लियरली समझना चाहिए कि बच्चे
एक मिनिएचर अडल्ट नहीं है, जिस तरीके से आपको बच्चे का ध्यान रखना है जब हम एडमिट भी करते हैं, ऐसे नहीं कि बड़ों को आप अकेले एडमिट करते, वो अपना ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो आपको स्टाफ की कम जरूरत है, बच्चे के साथ आपको अटेंडर रहना चाहिए। इसलिए माँ बाप अगर जल्दी वैक्सीनेट हो जाएंगे तो केयर करने के लिए वो भी हेल्पफुल हो जाते हैं। प्लस ये जो नर्सिंग हेल्थ केयर स्टाफ, ये स्टाफ अभी हमारे पास बच्चों को लेकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अर्बन एरिया में ज्यादा है, लेकिन रूरल एरिया में बच्चों की फैसिलिटी कम है। तो जो तैयारी हो रही है उनकी तरफ से वो ये हो रहा है कि इस तरीके की ट्रेनिंग और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। मेरे हिसाब से जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि एक सिंपल एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम जो डॉक्टर्स लेवल पे एक सिंपल गाइडलाइंस बनाए कि इस तरीके से ट्रीट करना है, जो कंफ्यूजन ना हो, क्लियर गाइडलाइंस बच्चों को क्लियर करना है, और एक हेल्पलाइन हो जिसमें अगर किसी को डाउट हो तो कनेक्ट करें, और जो हेल्थ केयर नर्सेज है, हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दें हम कि बच्चों को किस तरीके से देखा जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए। लेकिन माँ बाप को कोई चिंता नहीं है कि बच्चे सीवियर होंगे, अभी भी दूसरी लहर पे हुए हैं और हमने देखा है, और हम और अच्छी तरीके से उन्हें देखना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से तीसरी लहर में बच्चों पर एक तरीके से ज्यादा वो रहेगा संक्रमण का खतरा, क्या कुछ माँ बाप के लिए आपकी तरफ से सलाह होगी कि अभिभावक किस तरीके से क्या करें जो बच्चों को बचा सके तीसरी लहर से? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। ये सब ये बचाने का हाथ माँ बाप के हाथ में ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि माँ बाप वैक्सीनेट कर ले तो तब ऑब्वियसली हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये वायरस सर्कुलेशन में कम होगी, तो ओवरऑल इंपैक्ट थर्ड वेव का कम होगा। तो स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन माँ बाप के हाथ में है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी वो बच्चे के फैमिली के हाथ में है, नंबर वन। नंबर टू, हम ये कह रहे हैं कि माँ बाप जो अपना मास्क, बड़े ही गलती ज्यादा करते हैं, बच्चों का तो स्कूल बंद रहेगा तो ये वायरस आएगी माँ बाप से, बड़ों से ही आएगी, और अब बच्चे बन रहे हैं ससेप्टिबल, तो आप अपना मास्क का सेवन करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सुपर स्प्रेडर इवेंट जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नवरात्रे, फंक्शंस, पार्टीज, शादी, उसमें थोड़ा सा आपको स्प्लिट करें, इस तरीके सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ना करें जो हमने दूसरी लहर में देखा था, चाहे पॉलिटिकल या रिलीजियस रैलीज, उन दोनों की काफी निंदा हुई थी लेटर ऑन लैंसेट जैसे जर्नल्स में भी कि ये रिस्पॉन्सिबल थे। थर्ड, पेरेंट्स को बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत आसान है, माँ बाप के हाथ में, किस तरीके से बढ़ती है आपकी डाइट से रिलेटेड है और उसके बारे में मैं बताऊंगी। बच्चे को प्रॉपर नींद होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ रहनी चाहिए। अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम बच्चों में बढ़ रही हैं, उससे भी आपका डर और प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी कम होगी। सो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब डाइट में आ जाएं, डाइट में जो बैलेंस डाइट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो थोड़े किस्म के जिसको हम कहते हैं कि स्प्रेड बैलेंस, वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है। अगर बच्चा नॉर्मल तरीके से सब्जी नहीं खाता है तो मैं कहूंगी आप उसका कटलेट बना दें, आप रोटी में स्टफ रोटी दे दें, आप दाल में दाल के दे दें, मतलब आप भी सोचें किस तरीके से आपके बच्चे को सब्जी एक डेढ़ कटोरी खिलानी है, फ्रूट्स आपको खिलाने हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप महंगा कोई फ्रूट्स खरीदे, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो, अलग अलग सेब, यू नो, अमरूद, केला, जो भी जिस तरीके से भी थोड़ा सा अलग विटामिन मिलते हैं। बात बादाम की नहीं है, चाहे वो बादाम हो या मूंगफली हो, थोड़े से नट्स होना, बीज, दीज आर गुड इन फैटी एसिड, सनफ्लावर ऑयल इज गुड, प्रोटीन्स के जैसे बेसन अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन है, अंडा हो गया, जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडा यूज कर सकते हैं, पनीर हो गया, दालें हो गई। तो ये बच्चे रोटी ज्यादा खाते, चावल, थोड़ी सी दाल लगाए, थोड़ी सी सब्जी लगाए, वो आदत को माँ बाप को थोड़ी बदलनी होगी, उनके साथ बैठ के उनको समझा के, ये बहुत अच्छा मौका है। और एक्सरसाइजेस जरूरी है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल बन गया है, एक सारा टाइम टीवी, ये वो गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छी तरीके से अच्छी चीज सोचें, अच्छा काम करें, और पॉजिटिव एक्सरसाइजेस से आपके बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं जिससे आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
जी डॉक्टर साहब, चूंकि डाइट की बात हो गई और एक्सरसाइज की बात हो गई, कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में बच्चे तरह तरह की बातें सुनते हैं, उनके मनस्थिति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्या लगता है आपको कि बच्चों में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनको एक तरीके से उनको भी सलाह की जरूरत है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट ये सोचना है वेस्टर्न कंट्रीज में भी और इंडिया में जो तहलका मचेगा मेंटल हेल्थ बच्चों को लेके वो बहुत ज़्यादा रहेगा। बात डिवाइड करो रूरल और अर्बन, रूरल में ऑलरेडी उन लोगों के पास इकोनॉमी इतनी सफर हुई है जिसके कारण उनकी पेरेंट्स की एंजाइटी या वो उनको अच्छी तरीके से खिला नहीं पाएंगे या पढ़ा नहीं पाएंगे, उससे रिलेटेड फ्रस्ट्रेशंस जो बढ़ेंगी, ये रूरल हेल्थ या पुअर पॉपुलेशन जो एक काफ़ी तादाद में इंडिया में है। सेकंड, बच्चों को लेके जो प्रॉब्लम्स है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपकी एजुकेशन सफ़र कर रही है, आप अपने पीयर ग्रुप में नहीं मिल पा रहे हैं, हर बच्चा अपने माँ बाप से अपनी दिल की बात नहीं कह पाता है, तो वो जिस तरीके से अपने फ्रेंड से, आपने सुना होगा बड़ों में भी कहते हैं कि आपके मन में जो भी हो, बड़े लोग कहते हैं कि आप बोलो, मुझे बोलो, अपने दिल की भड़ास निकाल दो, आपका मन हल्का हो जाएगा, ये कहते हैं, तो वो बच्चे किससे करें? तो वो पीयर ग्रुप नहीं हो रहा है। इन सबसे मेंटल हेल्थ और काफी फैमिली में जो यंग लोग में पेरेंट्स की डेथ हुई है, उनकी जो आंकड़ी ये टाइम जो जितनी डेथ्स हुई है सब यंग की हुई है, तो वो जो बच्चे अब काफी सिंगल पेरेंट्स हो गए या पेरेंट्स नहीं है, उनके साथ क्या गुजर रही फैमिली, ये सबको सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये मेंटल हेल्थ को लेके ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सूनर और लेटर, जैसे ये कम होएगी, नेक्स्ट फोकस इस चीज पे करना है, हम उनकी इस मेंटल हेल्थ को किस तरीके से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा है। और मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि जो पेरेंट्स है तीसरी लहर में, हम सबको बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा भी होगा ना डरे, माइल्ड है, और डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड्स ना हो, किस में देना है स्टीरॉयड, किस में क्या दवाई देनी है, वो सब हम अपने लेवल पे ट्रेनिंग चल रही है। मेरा ये कहना है ये हाई रिस्क पॉपुलेशन जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप, जो माँ बाप कि बच्चों को किसी किस्म की प्रॉब्लम है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, मैलिग्नेंसीज चल रहे हैं और ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, उनको किसी तरीके से जोड़ों की प्रॉब्लम के कारण स्टीरॉइड्स पे हैं, तो जो भी बच्चे जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, उनके माँ बाप को मेरे को सलाह है कि वो अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहें, जैसे कोई चिन्ह देखें तो नजरअंदाजी ना करें और तुरंत संपर्क करें और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में भी शंका मत करें। जी डॉक्टर साहब, चूंकि बड़ों में संक्रमण तेजी से फैल रहा था तो सभी लोग बहुत सजग हो गए थे और हल्का सा कोई बुखार हुआ या कोई भी सिम्टम दिखाई पड़ता था, जरा सी सर्दी हुई तो वो दवाएं खा लेते थे जो नॉर्मल कोर्स में सभी लोग कोरोना को लेके खा रहे थे, चाहे वो अब भले वो लिस्ट से बाहर हो गई हो, लेकिन इवरमेक्टिन की बात की जाए या जिंक कोविड की बात की जाए, विटामिन सी की बात की जाए, एजिथ्रोमाइसिन की बात की जाए, तो ये सारी दवाइयां लोग खा ले रहे थे और 5-6 दिन का कोर्स जो करके फिर वो सोचते थे बिल्कुल फिट हो गया मामला और बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो गए, लोगों को माइल्ड सिम्टम आए और उन्होंने वही दवाएं खाएं और ठीक हो गए, लेकिन शायद अब वो दवाएं कारगर नहीं रही तो इसलिए शायद उनको बाहर कर दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बच्चों में जब किसी तरीके की कोई लक्षण दिखाई पड़े, चाहे वो माइल्ड हो, बिल्कुल शुरुआती लक्षण हो, तो क्या कर सकता है एक माता पिता, क्या कर सकते हैं, किस तरह की कोई दवा भी है कोई जो दी जा सकती हो, इसके बारे में भी बताएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो बड़ों में दवाई दे जा रही थी, लकीली सारी पीडियाट्रिक गाइडलाइन बड़ी सिंपल तरीके से बनी है, ये सारे नाम का लिया ही नहीं गया, उसमें कोई आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब चीज़ें नहीं। हमने ऑलरेडी आपको सतर्क कर दिया कि डाइट से आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, जो विटामिन सी है वो आपका नींबू है, ऑरेंज है, डेली आप किसी तरीके से, इस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हम करें, मैंने आपको बताया कि तेल खाएं और इस तरीके से फिश हो गया, नट
नट्स हो गई, मूंगफली मैंने बताया, ये सारी नट्स एंड सीड्स एंड ऑयल के तरीके से आपको ये तरीके से मिल रहे हैं। हरे पत्तों का मैंने आपको बताया, हरे पत्तों की सब्जियां और ये विटामिन ए, जिंक, बीन्स, विंस, ये सब खाने से आपकी ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं। हाँ, मल्टी विटामिन या जिंक देने में कोई नहीं है गलती, मैं कहूंगी ये दीजिए। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत अच्छा बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है तो आप जरूर इसका सप्लीमेंट, लेकिन आपको सिंपल पैरासिटामोल रखनी है अगर जुकाम हुआ। अधिकतर आपको हम लोग डॉक्टर सिंपल नाक में नमक के पानी के जो हम ड्रॉप्स मिलते हैं वो ड्रॉप्स डालें, नो की कंजक्शन दे रहे, कोई एंटीस्टामिन ले लें, फीवर ले लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। और जो आयुर्वेदा लोग समझाते हैं कि दूध हल्दी पी लें, ये कोई गलत नहीं है। बेसन का शीरा, दूध हल्दी, ये सब इम्यूनिटी प्रोटीन यही सब बताते हैं जिससे आपकी प्रोटीन ये बढ़े। तो आपको ये सिंपल चीजें हैं और एंटीबायोटिक्स मत करें। लेकिन जो हाई रिस्क पॉपुलेशन मैंने आपको बताई थी वो पॉपुलेशन सतर्क करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका बुखार 3 या 5 दिन से ज्यादा जा रहा हो तो तब हम डॉक्टर्स को, या आपको 5 चीजों के लक्षण मैं बताती हूँ। आपका बच्चे में उल्टी या दस्त लग गए हो तो हमें डिहाइड्रेशन का फर्क तो डर रहेगा, तो ORS का पानी जरूर देना है। बच्चा अगर सांस तेज ले रहा हो, जैसे 5 साल के ऊपर बच्चा का सांस 30 से ज्यादा हो जैसे बड़ों में होती है, या 1 साल से ऊपर का बच्चा में 40 से ज्यादा सांस चल रही हो और उससे छोटा 50 से ज्यादा, तो इस तरीके से अगर आप सांस ज्यादा ले रहे हैं, या बच्चा सुस्त है, निढल लग रहा है, एक्टिव नहीं लग रहा है, वो मुंह से नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, खाना पीना कम कर दे, ये सारे लक्षण हमें बताते हैं कि हो सकता है निमोनिया है, डायरिया है, डिहाइड्रेशन। इसमें तुरंत जब आप अपने अस्पताल जाएंगे, सिंपल से तरीके से निमोनिया है तो निमोनिया का इलाज करेंगे हम, और उसके बाद सेम सैचुरेशन जो हम करते हैं, बट बच्चों में हम सांस देखने की ज्यादा, क्योंकि वो मॉनिटर 5-6 साल से छोटे बच्चे में लगना मुश्किल है, कभी कभी हम पाँव के उस पर लगाते हैं, अदरवाइज छोटे मॉनिटर्स बच्चों में नहीं मिलते, तो सांस देखिए, तब आप तुरंत अस्पताल में जाए। वही वो जो मैं आपको बता रही हूँ 1%, 5%, वही वो 5% है जिसमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये उसमें डॉक्टर से आप करें। 95% आप लोग माइल्ड मॉडरेट होंगे, बट वो 5% को बचाना कर्तव्य है। वो कहा जाता है कि 5 को बचाने के लिए हम 95 को जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी आपका बच्चा, चाहे दुख तकलीफ, निमोनिया, मशीन, वेंटिलेटर, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, एपेंडिसाइटिस, जो भी किस्म की मल्टी इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, वो एक ज्यादा प्रॉब्लम है कि 1% लोग जिनको कोविड हो जाता है उनको 3-4 हफ्ते या 6 हफ्ते तक बाद में, जैसे बड़ों में ये दूसरे हफ्ते में हमने साइटोकाइन स्टॉर्म से देखा है, मेजॉरिटी डेथ फर्स्ट वीक में नहीं होती है, सेकंड थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में लोगों की डेथ होती है, उसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। उसी तरीके से बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है, उसमें ये मल्टी इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम आता है, जिसमें तुरंत पहचानना और तुरंत इलाज करने की जरूरत है, वरना वो भी जानलेवा बन सकता है अगर उसका इलाज तुरंत ना किया गया। तो पहले 5% है जिन पे सतर्क रहें, उस 5% में भी 1% है जो फॉलोअप पे प्रॉब्लम रहे, 0.5% डेथ भी हो सकती, हम नहीं चाहते किसी की भी कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, और साधारण सी जो चीजें आपने बताई हैं डाइट को लेकर और सावधानियां बरतने को लेकर, निश्चित रूप से वह करना चाहिए। और ऐसा करने से हमें उम्मीद है कि अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे और कोरोना की तीसरी लहर में उन पर संक्रमण का खतरा कम रहेगा, वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे। आपने बहुत सारी जानकारियां दी, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू त्रिपाठी।